गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे सेकंड टॉपिक एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग के अंतर्गत कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे। इन HTML टेबल हैज़ मैनी एट्रीब्यूट विच कैन बी एडेड टू टेबल एंड TD टैग। टेबल टैग के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम क्या है ऐड कर सकते हैं टेबल के अंतर्गत से TD टैग। अब TD में भी क्या है बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हमने एट्रीब्यूट के इधर नाम लिखे हुए हैं और उसका इधर हमने डिस्क्रिप्शन किया हुआ। तो एट्रीब्यूट का नाम हमने लिखा अलाइन लेफ्ट। लेफ्ट अलाइन का यूज क्या होता है उसके बारे में बताएँ। फॉर लेफ्ट अलाइन फॉर ऑफ टेबल, कोई भी कंटेंट अगर हमको लिखना होता है कि किधर से लेफ़्ट साइड से, तो हम लेफ़्ट अलाइन लगाएंगे। फिर उसके बाद में आता है राइट अलाइन, फॉर राइट अलाइन ऑफ अ टेबल, राइट अलाइन के लिए क्या हम राइट अलाइन लगाएंगे। फिर उसके बाद सेंटर, फॉर सेंटर अलाइन ऑफ अ टेबल, किसी भी कंटेंट को या किसी भी डाटा को हमको क्या है सेंटर में अगर लिखना होता है तो सेंटर लाइन लगाते हैं। फिर आता है BG कलर, बैकग्राउंड कलर, टू सेट बैकग्राउंड कलर। अगर हमको क्या है टेबल का इमेज के बैकग्राउंड का अगर हमको उसका कलर अगर हमको लगाना है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, BG कलर लगाएंगे और बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर इक्वल टू N, ये किस लिए होता है, टू सेट बॉर्डर थिंगनेस, यानी बहुत ही अगर हमको पतला अगर बॉर्डर लगाना होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं बॉर्डर N, ओके। फिर हमारा आता है बॉर्डर कलर, अगर बॉर्डर क्या है हमने जो लगाया हुआ है उसको हमको कलर्ड बनाना है, टू सेट द बॉर्डर कलर, और क्या है बॉर्डर कलर लगा करके वहाँ पे हम उसका बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है बॉर्डर कलर डार्क RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अगर हमको क्या है रेड ग्रीन ब्लू अगर सेट करना हो तो वहाँ पे क्या है बॉर्डर कलर डार्क के नाम से सेट करेंगे, टू सेट द बॉर्डर शैडो, यानी उसकी क्या है परछाई धुंधली सी आएगी तो वहाँ पे उसका RGB कलर होगा, रेड ग्रीन ब्लू, यानी तीनों मिलाकर कॉम्बिनेशन होगा। तो इस प्रकार से हम क्या है अपने बॉर्डर में कलर भी दे सकते हैं, ओके। थैंक यू।